इतनी गर्मी हो चुकी है यार, टेंशन मत ले। हम लोग अपनी ऑडियंस को और मैं अपने प्यारे भाई को लेकर आ गई हूँ आइसक्रीम फैक्ट्री में। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनती है आइसक्रीम, वो भी मेगा फैक्ट्री में। अच्छा, तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है मिल्क का। तो मिल्क इसमें आता है, बॉइल होता है अच्छे से एक टेम्परेचर पे, और उसके बाद जाता है इस मशीन में। इस मशीन को बोलते हैं होमोजेनाइजर। इसके अंदर हमारा जो आइसक्रीम बनाने वाला मिल्क होता है ना, वो थोड़ा सा रिच, तो इसमें ना और फैट कंटेंट मिलाया जाता है, उनसे फैट मिल्क बनाया जाता है। उसके बाद इस प्रोसेस से गुजरते हुए ये देखिए बड़े बड़े कंटेनर्स। इन बड़े बड़े कंटेनर में 2 से 4 घंटे इसमें फ्रीज होता है, पास ऑन होता रहता है और जाता है हमारे सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस पे। और अब बारी है नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसमें ये रॉ मटेरियल है ना हमारा, ऊपर जाता है पाइप के थ्रू और ये मशीन ले, कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसके अंदर से ये इतना क्वांटिटी चाहिए होता है ना, उतना सेट है ये सारा इस कैविटी के अंदर फिल हो रहा है। और जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप लोगों ने जैसे हम लोग घर में सोचते होंगे यार ये मैंगो के अंदर मिल्क कैसे भरते हैं, तो यहाँ पे वो प्रोसेस होता है। जितना भी मिल्क है ना, वो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं सक्शन के प्रोसेस के थ्रू, और इसके अंदर जितना भी वो स्पेस बना होता है ना, उसके अंदर जाता है यहाँ पे मिल्क। तो इस तरीके से 2 लेयर तैयार होती है आइसक्रीम, है ना इंटरेस्टिंग। नीचे ना बर्फ है, पूरा पानी और बर्फ, ठंडा पानी है। जब तक ये लास्ट प्रोसेस तक पहुँचेगा, हमारी आइसक्रीम लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाएगी। आइसक्रीम का भाई सपोर्ट होता है ना, बैक बोन आइसक्रीम जो होती है वो होती है स्टिक, वो इस स्टिक्स इस मशीन के थ्रू अंदर डाली जा रही है और ये जाएगी हमारे आगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसके अंदर इस आइसक्रीम के भाई अब ऊपर तो दूध दिख रहा होगा, तो उसको कवर करने के लिए इस मशीन से उसको पूरा सील कर देते हैं। और दोस्तों आपको बताने दूंगा, इस पूरी मशीन के अंदर ना 1 घंटे में 6,000 हमारी आइसक्रीम रेडी होती है, और एक दिन की अगर मैं बात करूँ तो 60,000 आइसक्रीम रेडी होती है। और अब इस प्रोसेस के अंदर इतने मार्च करते करते आइसक्रीम हमारी आगे तक पहुंचेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से ये बता दो फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मेरा तो है जी बटर स्कॉच। तेरा कौन सा है? चॉकलेट भाइयों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक हम दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। ये आप देख सकते हो स्टिक्स अच्छे से लग चुकी है, सेट हो गई है। अब यहाँ तक आते आते हमारी आइसक्रीम हो चुकी है रेडी, और ये इस तरीके से इसको पुल अप करते हैं और ये आगे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाती है पैकेजिंग के लिए। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, मज़ा ही आ गया। अगर मज़ा आया है तो लाइक करना और कमेंट में ये भी बताना कि आप अगली आइसक्रीम कौन सी मध्य में देखना चाहते हो। अब जब ये यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख सकते हो कन्वेयर बेल्ट पे एक एक बॉक्स में अपना आइसक्रीम जा रहा है, और यहाँ पे होगा ये पैक। किस तरीके से ये आइसक्रीम खुद तो खुद आगे बढ़ रही है, और इसमें अगर कोई भी बाई चांस डिफॉल्ट होते ना, तो इन लोगों की इन स्टाफ की वजह से वो निकाल लिया जाता है, और यहाँ पे ये पैकेजिंग हो जाती है हमारी कैंडीज बिल्कुल रेडी। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये इस पूरी फैक्ट्री का मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट है। चिल सीन्स देख रहे हो ना, दिख रहा होगा कैमरा में यार, यहाँ पे इतनी ठंड है और ये तो स्टार्टिंग है, अभी मेन पार्ट तो यहाँ आएगा। आज और दोस्तों ये वाला है इनका मेन चिलर रूम भाई, -35 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करके रखा जाता है, और कैंडीज जो हमारी वहाँ बनी है वो सब यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोन दिख जाएंगे, कुल्फी दिख जाएंगी, चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी दिख जाएंगी। और आपको पता है ये कोन जो है ना, इसको खत्म करने में कितना टाइम लगता है? कितना? 50 लिक्स लगते हैं इस कोन को खत्म करने के लिए। जी तो भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग राजस्थान से उठ के सीधा कुल्लू मनाली के अंदर आ गए हैं भैया, पूरा पैक पैक होके। तो यहाँ पे इससे पहले हमारी कुल्फी जमे, हम चलते हैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में जो जो आपने पूछा है वो देना। ये है जी हमारी रंगोली आइसक्रीम। तो मैंगो वाले निकले ली है, जो आपने देखी होगी बनते हुए, और मैंने लिए इनकी मावा मलाई, और ये बहुत टेस्टी है भाई। बनते तो देख ले, चख तो ले कैसी है। जरूर, ये देखिए क्या मस्त पैकेजिंग है, लग रही है ना टेम्पटिंग। गर्मियों का मौसम जा रहा है, लेकिन सर्दियों में भी मुझे आइसक्रीम खाना बड़ा पसंद है। मैंगो डेट मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, लेके जाऊंगा। नहीं भाई ले लूंगा, तेरी मम्मी नहीं हमारी मम्मी, मैं सॉरी पिघल जाएगी भाई, ले लूंगा। भाई मस्त, एक नंबर टेस्ट, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत रिच है, मजा आ गया मुझे खा के।